स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मिलते हैं पूरे भारत में गवर्नमेंट जॉब। आज दोस्तों गवर्नमेंट जॉब निकला है ऑल इंडिया लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी घोषणा। दोस्तों अगर आपके पास में डिग्री है, ग्रेजुएशन पास है, तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार है तो इस लाल बटन पर क्लिक कर लीजिए, जिस प्रकार से आपका ब्लिक हो जाएगा। साथ में इस बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे भारत में भर्ती निकाली गई है। आपकी एज 17 से लेकर 18 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पुरुष और महिला दोनों इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा मौका है, आवेदन जल्दी शुरू हो गए हैं। एग्जाम डेट क्या है, जो आपकी योग्यताएं वगैरह क्या है, सिलेबस क्या है, उन पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। और इसका जो फरवरी माह में आपका एग्जाम से, तो जल्दी से फॉर्म भेजिए और इस भर्ती का लाभ उठाइए। तो फ्रेंड्स ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी के अंदर सबसे बड़ी भर्ती आ रखी है। दोस्तों तीनों सेनाओं के अंदर भर्ती आ रखी है। अप्लाई कैसे करना, क्या क्या करना है, इन सभी की डिटेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 19 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, शाम को 6 बजे। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो नेगेटिव मार्किंग आंसर एग्जाम, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। और आपको ओ मार्कशीट भरनी होगी, जो भी आपको ब्लैक पेन से भरनी होगी। ये जो अपडेट आने के लिए उनकी हम चर्चा करें। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले नेम ऑफ कोर्सेज की बात करते हैं, जहाँ मिलिट्री यानी IMA देहरादून। उसके बाद में देखिए कोर्सेज है अलग अलग, उनके हिसाब से जो आपके जो फॉर्म आने वाले हैं। और यहाँ पर भर्ती सिलेक्शन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, 418 पोस्टों की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 418 पोस्ट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इनके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं, सबसे पहले आपका एग्जाम सेंटर, ऑल इंडिया एग्जाम सेंटर, कहीं भी भारत के किसी भी कोने में है तो यहाँ से आप ऑल इंडिया एग्जाम सेंटर पूरा का पूरा है, तो पूरे भारत के अंदर भर्ती निकली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत, नेपाल, भूटान के विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अनमेरिड व्यक्ति हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे अनमेरिड नेवी के अंदर भी है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद दोस्तों आगे और भी चर्चा करेंगे इसके। यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख लें, ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, और अगर पर 10+2 में मैथमेटिक्स फिजिक्स है और ग्रेजुएशन पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर, तीनों के अंदर फॉर्म होगा। उसके बाद में आपका एंट्री होगा और सीधी आपकी फाइनली सिलेक्टेड हो जाएगी। उसके बाद में आपका जो टैनिंग पीरियड होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे फिजिकल स्टूडेंट 2000 जो डिफेंस के अंदर होगा वही होगा। फीस आपकी 200 रुपये लगेगी, SC ST के लिए फ्री ऑफ फीस है। आप पे ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और रुपए से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, महिला अपने सीधी अप्लाई कर सकते हैं बिना पैसे लगे। उसके बाद में और भी जैसे हम बात करेंगे नीचे धीरे धीरे, हम सभी इनके जो क्वालिफिकेशन के बारे में हमने चर्चा की, एज के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में इसकी जो ऑनलाइन की लास्ट डेट है, 19 नवंबर आपकी लास्ट डेट दे रखी है। ये पूरी की पूरी विज्ञप्ति आपके सामने है दोस्तों, और आपको यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर इससे होंगे, अपने मोबाइल नंबर पर सभी डिटेल आप देख सकते हैं। मोबाइल नंबर पर पूरी की पूरी आप आपको तो हमें ज़रूर बताइए। ये जो आपका UPSC का सेक्रेटरी ओम प्रकाश के द्वारा घोषित, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपका इंग्लिश के अंदर 100 नंबर्स, उसके बाद में जनरल नॉलेज, उसके बाद में 100, तो ये होगा। उसके बाद में आपका, उसके बाद में अगर आप ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे। बाकी आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं 3 या 2 होंगे, तो आप मिलिट्री के अंदर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, नेवी के अंदर भी फॉर्म भर सकते हैं, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। यहाँ सब्जेक्ट की बात करते हैं, इंग्लिश के अंदर जो आपका रहेगा जनरल नॉलेज वगैरह रहेगा, मैथमेटिक्स के अंदर आपकी ये कोर्सेज हैं, नंबर सिस्टम वगैरह, रेशियो वगैरह, मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीकेशन वगैरह, इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस रेशियो, ये आपका रहेगा। और बाकी नॉर्मल है, क्वेश्चंस की बात करते हैं तो बहुत ही जो हार्ड पेपर नहीं रहेगा इसके अंदर, ये आपकी फैक्ट्स रहेगी। उसके बाद में अलग अलग टेस्ट होने वाले हैं, ऑल इंडिया टेस्ट भी आपका होगा, इसके अंदर आपको पास करना बहुत जरूरी। ऑनलाइन आप फॉर्म कीजिए, नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आपको बेझिझक आपकी पूरी सहयोग करते रहेंगे। तो देखिए ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ में, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको क्या क्या भरना है, एनालिसिस करना है, कोड नंबर के अंदर नंबर आपको भरना है,
ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये आपका देखिए आंसर किस प्रकार से आएगी, रोल नंबर इस प्रकार से आपको भरना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नए अपडेट में फिर मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।